ये कम्युनिटी मोबिलाइजेशन आज का फैशन वाला शब्द है. मैं नहीं जानता हूँ कि व्हाट डू दे मीन बाय इट. वो 10 साल पहले ये शब्द नहीं था, वो आजकल आ गया है. 10 साल के बाद ढूंढ के नहीं मिलेगा. तो ऐसे कई शब्दों की फैशन आती है जाती है, तो मैं उसको तो नहीं सीरियस लूंगा कि मैं ये दूसरा शब्द लूंगा कि स्वराज करना है, स्वराज पैदा करना है. और स्वराज पैदा करना है तो लोगों के हाथ में राज होना चाहिए, स्वराज. और लोगों के हाथ में राज होना चाहिए तो लोग एम्पावर होने चाहिए, सक्षम होने चाहिए, जिम्मेवार होने चाहिए, और उनको अपने निर्णय लेने का फ्रीडम होना चाहिए. तो ये मेरे लिए अगर इस्तेमाल ही करना है तो दिस इज माय कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना इज नॉट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन. उसमें न लोगों की एम्पावरमेंट है, न लोगों को चॉइस है. तो इसलिए मैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन शब्द तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं स्वराज शब्द इस्तेमाल करूंगा कि लोगों का ग्राम स्वराज होना चाहिए, स्वास्थ्य स्वराज, आरोग्य स्वराज होना चाहिए. उसमें लोगों को डिसीजन मेकिंग का चॉइस हो, फ्रीडम हो, लोगों को क्षमता, लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनको क्षमता दे, ये होना चाहिए. इसलिए कम्युनिटी एम्पावरमेंट होना. तो अगर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन से तुम्हारा मतलब वही है तो फाइन, लेकिन इस जार्गन, इस डेवलपमेंट फील्ड में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन लोग अलग अलग अर्थ से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं उसको थोड़ा टाल देता हूँ. मैं कहूँगा लेकिन स्वराज, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, पीपल्स हेल्थ इन पीपल्स हैंड, ये शब्द मैं इस्तेमाल.